हिमाचल प्रदेश में भविष्य के शिक्षकों को प्रशिक्षण क्लासरूम में नहीं बल्कि हॉस्टल के कमरों में दरी बिछाकर दिया जा रहा है। डाइट सेंटर में एक साथ तीन बैच चलने से प्रशिक्षुओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे साफ पता चलता है कि इन प्रशिक्षुओं के भविष्य में अंधकार छा रहा है और इनसे आने वाले समय में बेहतरीन शिक्षा की कोई उम्मीद जगती नजर नहीं आ रही। हिमाचल प्रदेश में आने वाले भविष्य के शिक्षकों का प्रशिक्षण क्लासरूम में नहीं हो रहा है। इनको प्रशिक्षण हॉस्टल के कमरों में दरियों पर बिठा कर दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी तैयारी के सरकार ने एक साल में प्रशिक्षुओं के तीन बैच शुरू करवा दिए हैं। सरकार व शिक्षा विभाग के गलत निर्णय की वजह से आज छात्र को सही प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में उन छात्रों को झेलना पड़ेगा जो इनके पास पढ़ाई करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन प्रशिक्षु अध्यापकों को ऐसा प्रशिक्षण मिलेगा तो उनसे भविष्य में बेहतर शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। प्रदेश के डाइट सेंटरों में इन प्रशिक्षु अध्यापकों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में ना तो शिक्षक है ना ही बैठने की बेहतर व्यवस्था। इन प्रशिक्षु अध्यापकों की ट्रेनिंग से पता चलता है कि सरकार अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता के वादे कैसे पूर्ण कर पाएगी। केंद्र सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य सरकारों को हर वर्ष करोड़ों रुपया मुहैया करवाती रही है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही हालात हैं। चल रही है हमारा, जैसे रूम नहीं हमको मिले, कुछ अंदर रह रहे हैं हम, नीचे दरी पे रह रहे हैं, और सुविधा का। अच्छा, टोटल कितनी क्लासें लगती है दिन में? क्लासें 5-6 लग जाती है, 4-5 कभी कभी। स्टेबल तो होता नहीं है, पर कर रहे हैं अभी एडजस्ट थोड़ा। यहाँ पे टीचर के पास, टीचर बोलते हैं कि नहीं हमारे पास रहने की सुविधा नहीं है ना, तो जैसे 2-3 महीने के बाद ये बोलता पेपर हो जाएंगे सीनियर्स के, उसके बाद हम फिर आपको लिए कब रूम उपलब्ध करा देंगे। तो सबसे पहली बात मैं करूँगा तो सीटिंग प्रॉब्लम की बात करूँगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तभी चलता है जब सीटिंग हो। बच्चे सबसे पहले बैठने की प्रॉब्लम इनको सबसे ज़्यादा फेस हो रही है, क्योंकि ये नीचे बैठ रहे हैं हॉस्टल्स में, कोई रूम अवेलेबल नहीं है, हॉस्टल्स में इनको बिठाया जा रहा है नीचे दरी पे। और एक और मैं बात बताऊँगा कि मतलब लाइक टीचर्स की कमी भी यहाँ पर खल रही है। क्यों खल रही है? टीचर्स तो सारे हैं परंतु एक टीचर क्लासेस कितनी लेगा? तीन बैचेस है, देर इज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 200 स्टूडेंट्स, बट देयर अवेलेबल स्टूडेंट्स आर 600। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इट इज़ नॉट इजीली पॉसिबल, बिकॉज सिटिंग प्रॉब्लम यू कैन से मेजर प्रॉब्लम है सिटिंग, क्योंकि सिटिंग जो है अगर प्रॉपरली बच्चा बैठ नहीं पाया पढ़ कहाँ से लेगा वो? पढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, हमें नीचे बिठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीन बैच हो चुके हैं, तो यहाँ पर कम से अगर देखा जाए तो हमारी कभी कभार एक एक दो दो क्लासेस लगती है, तो यहाँ पर बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें रूम तो मिले हैं, पर नीचे बैठा जा रहा है ना, दरी पे बैठा। हाँ जी सर। इस बारे में डाइट संस्थान धर्मशाला के प्रधानाचार्य डीपी शर्मा का कहना है कि फिलहाल गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल के कमरे में इन प्रशिक्षु अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमरों की कमी के कारण ये समस्या सामने आ रही है, फिर भी संस्थान की तरफ से बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत निप्पी की रिपोर्ट।